अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ एक नए सफर पे, जिसके बारे में मैं आपको आगे आगाह करूँगा। फिलहाल मैं नहीं कह सकता मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो आप ही कैस कीजिएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी हम मैं चल पड़ा हूँ अपनी बाइक पर, सामान मैंने लगा कर मैं रवाना हो चुका हूँ। तो जनाब अभी मैं 15-16 किलोमीटर तय करके दश्त के एरिया में पहुंचा हूं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो जनाब मैं तकरीबन 6:30 बजे घर से निकला हूं। अब मैंने सोचा कि मैं माशाल्लाह होटल पर जाकर ही नाश्ता करूंगा। तो जनाब अभी करीब में माशाल्लाह होटल पहुंचने वाला हूं। अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो साहब, अगर नहीं सुनाई दे रही हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको। जनाब कोलपुर पे मैंने नाश्ता कर लिया, अभी चलते हैं आगे। मौसम भी प्यारा सा मौसम है, आप देख सकते हैं जो आपको अगर नज़र आ रहा हो तो। तो जनाब अभी मैं दुजान के आसपास ही हूँ, और आगे जो आएगा गरम चश्मा उसके पास जाने की कोशिश करूँगा, वहाँ भी आपको वो पानी दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मैं सफ़र में आगे जा रहा था तो मुझे एक खूबसूरत सा दरख्त नज़र आया, जो आप देख सकते हैं वो मेरी बाइक है, जिस पर मैंने सामान बांध कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अभी कोशिश करता हूँ आगे जाने की, क्योंकि मौसम की जो है वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है कि मौसम ख़राबी की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है, पहाड़ भी आप देख सकते हैं जो बादलों में छुपते जा रहे हैं अभी। तो मैं कोशिश करूंगा आगे जाने की,
कोशिश यही है कि मैं मच में ही स्टे कर लूं, अगर मौसम इजाज़त देता है। अगर मौसम इजाज़त नहीं देता तो मैं वापस जाता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।